तिरुपति बालाजी, भारत का एक ऐसा मंदिर जो हर महीने 200 से 300 करोड़ रुपए केवल दान में कमाता है। 1,20,000 करोड़, ये बस कोई नंबर नहीं बल्कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की नेटवर्थ है। ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। भारत में कई सैकड़ों मंदिर मौजूद हैं, जो अपने चमत्कार और अद्भुत रहस्यों के लिए जाने जाते हैं, जिनका चमत्कार देखने हर साल करोड़ों लोग जाते हैं। और ऐसी ही चमत्कारी और रहस्यमय कहानी है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित है। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी निवास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया। हम सभी जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे धनी और पूजनीय मंदिर में से एक है। ये मंदिर तो सबसे अमीर है, पर कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले तिरुपति बालाजी खुद गरीब और कर्ज में डूबे हुए हैं। पर ऐसा क्यों? तो आइए पहले इसके पीछे की कहानी जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र महान ऋषि भृगु त्रिदेवों में कौन सबसे श्रेष्ठ है इसकी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवों के पास एक एक करके गए। जब वे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचे, तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रख के आराम कर रहे थे। ये देखकर भृगु ऋषि को उनके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात से प्रहार कर दिया, जिससे भगवान विष्णु उठकर खड़े हुए और बोले, कहीं आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। विष्णु जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर ऋषि भृगु रोने लगे और उनसे क्षमा मांगी, और इसके बाद उन्होंने विष्णु जी को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन भृगु ऋषि के इस व्यवहार से माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गई, और भगवान विष्णु के ऋषि को कोई दंड ना देने पर वे बेहद नाराज हो गए और गुस्से में वैकुंठ धाम छोड़कर चली गई। जब विष्णु जी ने देवी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी पर एक राजा के घर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। तभी विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर श्रीनिवास नाम के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वहां जाकर राजकुमारी पद्मावती को ढूंढना शुरू किया और उन्हें मिलने पर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये आया कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए विष्णु जी ने कुबेर से काफी सारा धन कर्ज ले लिया और ये वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने के मान्यता के कारण भक्त बड़ी मात्रा में श्री तिरुपति बालाजी में धन दौलत भेंट करते हैं, जिससे भगवान विष्णु कर्ज मुक्त हो सके। कहा जाता है विष्णु जी वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में तिरुपति बालाजी में निवास करते हैं। सात पहाड़ों वाला मंदिर नाम से प्रसिद्ध ये ऐसा मंदिर है जहां भक्तों को नए नए चमत्कारों और रहस्यों का एहसास होता रहता है। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जिसने विज्ञान तक को हिलाकर रख दिया। क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी में स्थापित जो मूर्ति है वो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु छोटे थे तो इसी छड़ी से उनकी माँ ने उनकी पिटाई करी थी, जिससे उनकी थोड़ी पर चोट लग गई। इसी कारण आज तक औषधि के रूप में हर शुक्रवार उनकी थोड़ी पर चंदन लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति पर लगे बाल भी बिल्कुल असली हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आज से 15,000 साल पुरानी मूर्ति के बाल आज भी बिल्कुल मुलायम, रेशमी और साफ सुथरे हैं। इन बालों में कभी उलझने नहीं पड़ती। इस मंदिर में केश दान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने से पहले या बाद में लोग यहाँ अपने केश दान करते हैं। लगभग 20,000 लोग यहाँ रोज केश दान करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु धरती पर आए थे तो एक दुर्घटना में उन्होंने अपने कुछ बाल खो दिए थे, और गंधर्व की राजकुमारी नीला देवी ने ये घटना को देखकर अपने खूबसूरत बालों में से एक हिस्सा काटकर विष्णु जी के सर पर लगा दिया। खुश होकर भगवान ने उनसे कहा
कि केश शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है और आपने मेरे लिए अपने बालों का त्याग कर दिया। इसलिए आज से जो भी मेरे पैरों में अपने बालों का त्याग देगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और तभी से वहाँ बाल दान करने की प्रथा चली आ रही है। और केवल बाल ही नहीं, यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार ढेर सारा पैसा, सोना चांदी दान करते हैं, जिसकी वजह से ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। भक्तों के केवल चढ़ावे से ही मंदिर की ट्रस्ट की हर महीने 200 से 300 करोड़ कमाई होती है और ये सारा पैसा दान पुण्य और समाज सेवा में लगा दिया जाता है। इस मंदिर के पास फिक्स डिपॉजिट में ही इतना पैसा है कि हर साल उसके मात्र ब्याज से ही मंदिर की 800 करोड़ से भी ज्यादा कमाई हो जाती है। वहाँ दर्शन करने वाले लोग और पुजारियों का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से हमेशा समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज आती रहती है। अगर आप भगवान की मूर्ति को कान लगाकर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मानो आप समुद्र के बीच में खड़े हैं। इसी वजह से बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। पर ऐसा क्यों है ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इस मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी की पूजा के लिए फूल, घी, दूध, मट्ठा, पवित्र पत्ता उसी गांव से आता है। उस छोटे से गांव को उसके लोगों के अलावा ना किसी ने देखा है, ना किसी को उस गांव में जाने की अनुमति है। इस गांव का अस्तित्व एक रहस्य बनकर रह गया है। भले ही बालाजी की मूर्ति विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हो, लेकिन वो अपने साक्षात वहां होने का एहसास सबको कराते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान के आराम के लिए पूरे मंदिर का वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद बालाजी को बहुत गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। उनका माथा और पीठ हमेशा पसीने से भीगी रहती है। उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे इसलिए वहाँ हमेशा पंखे चलाकर रखे जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक जलता है जो बिना घी या बिना तेल के हजारों साल से लगातार जल रहा है। और ये कैसे संभव है इसका कारण आज तक नहीं पता चल पाया है। ये दिया किसने और कब जलाया ये भी किसी को नहीं पता। इस मंदिर में हर रोज 3 लाख से भी ज्यादा देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं। हैरानी इस बात की है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाले लोग 300 साल पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। इन 3 लाख से भी ज्यादा लड्डुओं को एक गुप्त रसोई में बनाया जाता है। ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोईयों में से एक है। चलिए आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताते हैं कि जब भी किसी साधारण प्रतिमा पर पचाई कर्पूरम यानी कपूर चढ़ाया जाता है तो वे प्रतिमा धीरे धीरे चटकने लगती है, लेकिन श्री बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता, ना उस पर कभी कोई निशान देखा गया है। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान तिरुपति की मूर्ति के पैरों से एक पानी की धारा बह रही है जिसे विराज नदी कहा जाता है, जो कहां से आती है किसी को नहीं पता। और कभी कभी ये भी देखा गया कि बालाजी की मूर्ति का तापमान उबलते हुए पानी से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। माना जाता है कि उनकी आंखों से जो तेज निकलेगा वो सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा बालाजी की मूर्ति की आंखें ढक दी जाती हैं। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मूर्ति गर्भगृह के सेंटर में है, और जब आप गर्भगृह के बाहर आकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। माँ यहाँ रहती हैं ये तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का सारा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान कराया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है। और जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में माँ लक्ष्मी की छवि उभर आती है। हो सकता है कि आप ये सुनकर इन सभी मिस्टीरियस बातों के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन दे दें, लेकिन कभी सोचा है कि क्यों हमेशा ऐसे ही धार्मिक जगहों पर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या कह लो चमत्कार? ये सब मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और ना ही हर चीज साइंस से जुड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं? क्या आपने कभी कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।